अगर भाई मैं इस पुल को क्रॉस करके सामने चले जाऊं तो मैं पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। बाकी आज की रात हमारी इस बंकर में रहने वाली है। ये पहले पाकिस्तान में ही आता था। ये वाला ब्रिज क्रॉस करके पाकिस्तान के गांव स्टार्ट हो जाते थे। इस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, जो पाकिस्तान आर्मी है यहाँ तक आ गई थी। पूरी छत इस तरीके से बनाई हुई है भाई, लोहे की रॉड से। दूर से बंकर दिखता भी नहीं, दीवार चुन रखी है बॉक्सों से, देखो पूरे बॉक्स है भाई। लाइफ में कब मौका मिलेगा भाई इंडियन आर्मी के बंकर में सोने का। इन दो पहाड़ को क्रॉस करके इंडिया पड़ता था। इंडियन आर्मी ने इस पुल को क्रॉस करके पाकिस्तान में एंटर किया था। तो जी हेलो नमस्ते आदाब एंड सत श्री अकाल, कैसे हैं भाई लोग? भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ, आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो भाई लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने आपको ना हमारी इंडियन आर्मी के बंकर दिखाए थे, जहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी रहा करती थी, जहाँ पे वो लोग खाना बनाया करते थे, अपना खाना स्टोर करते थे, वो जगह दिखाई थी। और अब ना हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के थोड़ा और करीब आ गए, मतलब पाकिस्तान के थोड़ा और करीब आ गए हैं। और इस टाइम मैं एक ऐसी जगह पे हूँ ना जहाँ पे पहले इंडिया खत्म हो जाता था, जहाँ पे इंडिया के बॉर्डर खत्म थे, मतलब LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो थी ना, लाइन ऑफ कंट्रोल जो थी वो इस जगह पे थी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे पहले आर्मी रहा करती थी, और इसी जगह पे ना आर्मी का एक बंकर है जिसमें हमारी इंडियन आर्मी रहा करती थी, लास्ट बंकर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का, ठीक है। तो आज की रात भाई हम लोग इंडियन आर्मी के बंकर में रहने वाले हैं। यहाँ पे आए थे इस जगह पे, हमने यहाँ पे कैंपिंग के लिए जगह पूछी यहाँ के कुछ लोगों से, तो उन्होंने बताया कि भाई आप कैंपिंग जहाँ मर्जी आप कर लो। फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास एक और जगह है जिसमें गद्दे वद्दे लगे हुए, अगर आपको वहाँ सुना तो सो दो। मैं कहा वो क्या जगह? कह रहे वो इंडियन आर्मी का बंकर है। मैं कहा इंडियन आर्मी का बंकर? मैं कहा इससे अच्छी क्या बात है। तो हम आज की रात इंडियन आर्मी के बंकर में आने वाले हैं। तो कैसा दिखता है भाई साहब इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर का इंडियन आर्मी का बंकर, वो आपको आज के इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ना आने वाले कुछ दिन, आने वाले 8 से 10 दिन ऐसे ही अलग अलग इंडियन आर्मी से रिलेटेड, इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड ब्लॉग मिलने वाले हैं। मैं जस्ट यहाँ पे पहुंचा ही हूँ, और पहुंच के बस मैंने कैंपिंग वैम्पिंग के लिए इनसे परमिशन मांगी है, तो उन्हें बोलते हैं कि हाँ भाई रह लो, तो आप अपना सामान उतारते हैं और बंकर में लेके चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम कुकिंग भी करेंगे बंकर के अंदर ही। तो भाई जी मैंने ना गाड़ी से सामान उतार लिया, अब चल रहे बंकर की तरफ को। आज और एक चीज़ और यार, यहाँ पे जो कुछ भाई लोग रह रहे हैं ना, मतलब टेंट वेंट लगा के रह रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे खड़ा था तो मेरे से पूछ रहे कि आपने खाना खा लिया। मैंने कहा कि खाना तो वैसे मैंने खा लिया, कह रहा अगर खाना बनाओ तो हमको बता देना, हम बना देंगे आपके लिए, भूखे मत सोना। मैंने कहा ठीक है, अभी उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी गप मारेंगे, पहले अभी आपको आर्मी के कैंप में लेके चलते हैं। किधर भाई बंकर आओ। और भाई ये पूरा इलाका भाई किसी टाइम पे ना ये आर्मी ही रहती थी यहाँ पे, और कोई नहीं रहता था। भाई तो ऐसा कुछ ये बंकर भाई है, इसमें ऊपर इन्होंने चिकन लगा रखी है। बाकी अच्छे से तो आपको सुबह दिखेगा, बाकी आज की रात हमारी इस बंकर में रहने वाली है। आ जाओ ऐसा कुछ बंकर है भाई, लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस ट्रैवल करके ही मिलता है। चलो इसके ऊपर हम अपना मैट्रेस वैट्रेस बिछा देंगे, गद्दे भी लगे हुए हैं, ठीक है। हम तो वैसे टेंट लगाने की सोच रहे थे, लेकिन यहाँ सो जाएंगे। वैसे मजा तो अपने टेंट में ही आता सोने में, गरम गरम है बढ़िया है, लेकिन ये है कि ना इसका एक्सपीरियंस अलग है। लाइफ में कब मौका मिलेगा भाई इंडियन आर्मी के बंकर में सोने का। तो भाई ऐसा कुछ है ये बंकर भाई, और हम सारा सामान अपना लेके आ गए, सब लोग आ गए अंदर, रोहिला आ गया, ये हमारा छोटू आ गया है, और एक बंदा भी बाहर गया हुआ है। भाई साहब इमेजिन करो भाई, जिस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, जो पाकिस्तान आर्मी है यहाँ तक आ गई थी, और इंडियन आर्मी ने भाई साहब इसी बंकर से लड़ाई करी थी भाई साहब पाकिस्तान से। और ये देखो भाई पूरा रॉड, जो ट्रेन की पटरी वाली रॉड होती है ना, वो वाली रॉड से बंकर बना रखा है, देख रहे हो ऊपर ये सपोर्ट। मुझे लग रहा था कि रात को पता नहीं कैसा रहेगा, पूरी छत इस तरीके से बनाई हुई है भाई लोहे की रॉड से। और दूर से बंकर दिखता भी नहीं, पता भी था हमें बंकर है, वो तो कुछ ट्रक वाले भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि बंकर में रह लो, बंकर खाली है। तो हमने कहा बंकर खाली है भाई साहब, बढ़िया है, अभी तो गद्दे वद्दे आराम से, सब कुछ बढ़िया सिस्टम है। एक गद्दा बीच में डाल दो, कितने गद्दे हैं इसके नीचे? दो है ना ये? ये हमारा राइडर लव जॉट आ गया भाई। भाई यहाँ पे वो होल कहाँ है जिसमें से बंदूकें निकाल के मारते होंगे? वो होल तो है नहीं इसमें, ये रुकने के लिए, रात रुकने के लिए। अच्छा मतलब चौकी टाइप का है उनका। और भाई साहब एक चीज और दिखाओ उस बंकर में, ये देख रहे हो ये जो आर्मी के बॉक्स होते थे जिसमें हथियार वथियार आते थे, वो वाले बॉक्स है भाई ये देखो,
पूरे बॉक्स दीवार में दीवार चुन रखी है बॉक्सों से। देखो पूरे बॉक्स है भाई, ये देखो बक्से, ये किसी सोल्जर का बक्सा होगा भाई, इसमें नाम भी लिखा होगा। नाम लिखा है क्या इस पर? नाम नहीं लिखा, लेकिन भाई साहब पुराने टाइम के बक्से ऐसे होते थे आर्मी वालों के। बढ़िया जुगाड़ बना रखा भाई। भाई जी बंकर में अंदर लाइट का नहीं है कुछ जुगाड़? लाइट का नहीं है? वो बैटरी है गाड़ी की रखी है, उससे जुगाड़ लगा है। अच्छा कोई लाइट वेट नहीं है आपके पास? ये आपका, आप लोग इसी में रहते हो? हाँ। देख लूँ मैं अंदर से? आप लोग इसी में सोते हो? अरे वाह, कैसे हो भाई जी, क्या चल रहा है? रोटी बना रहे हैं। रोटी बना रहे हैं, और क्या बनाया है? और अंडे। अरे वाह, आप कहाँ से? छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया। सबले बढ़िया। आप कितने लोग रहते हो इस बंकर, इसमें तंबू में? दो बंदे। दो बंदे? हाँ। ये तो कंपनी ने बना के दिया होगा आपको? हाँ, काम और बंदे थे यहाँ पे, बाकी बंदे दूसरे साइड चले गए। अच्छा, आप क्या काम करते हो? इसी मतलब करते हैं, कुछ काम रहता है तो। अच्छा, कुछ भी है? कुछ भी काम कराते हैं तो करते। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बढ़िया। अभी काम नहीं है तो ऐसे ही बैठे हैं। यहाँ चूहे भी हैं क्या? हाँ चूहे आते हैं। वो बंकर में है चूहे? बड़ा बड़ा हूँ उसमें। बड़े बड़े हैं? अरे भाई साहब, काटेंगे तो रात को? काटेगा नहीं ऐसे ही। ये तो बता रहे हैं जो बंकर में चूहे हैं बड़े बड़े। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। स्मेल तो आ रही थी चूहे वाली थोड़ी थोड़ी। कोई बात नहीं, आज एडवेंचर हो जाएगा हमारा। उधर कुछ ऐसा है, फिर वो साइड में रूम है, वो भी देख लो। अगर उधर सोना है आपको, जहाँ मन करे वहाँ बता। दिखा दो कैसे भाई साहब? मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो लॉन्डो का जुगाड़ होता है कैसे होता है भाई साहब। ये परात है, मसाले वाली परात है क्या? क्या बात है, दे दो नीचे में चौकी। देखे तुमने, देखा खरगोश बराबर छू गए ना के? चलो भाई, भैया हमको बता रहे हैं कि अगर आप बंकर में ना रुकना चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हो, एक ऑप्शन और है तुम्हारे पास में। इसके बाद ये अच्छा नहीं है, टेबल पे चलो निकाल देंगे अगर वैसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ इससे अच्छा तो बाहर गर्म भी नहीं हो रहा, टेंट लगा सोते हैं, ठंडा भी लगेगा, मजा भी। ये तो इसमें तो जगह नहीं है। खैर वो वाला देखोगे क्या वहाँ पे? ऐसे ही वाला रोहिला, इधर चूहे हैं भाई बहुत मोटे मोटे हैं। मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं सो पाऊंगा इधर। भारी चल रहे हैं, चल। चलो भाई, मैंने ना अपना बिस्तर लगा लिया, बड़े अच्छे से लगा लिया भाई साहब। यहाँ ना नीचे ये देख रहे हो, ऐसे मोटे मोटे पत्थर है भाई, पत्थरों पे हम लोग सो रहे हैं। लेकिन भाई साहब ऐसा मौका ना, ऐसे आसमान के नीचे सोने का मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा भाई साहब, क्योंकि इतने अच्छे मौके पे हम लोग यहाँ पे आए और ऐसी जगह हमको मिली भाई कैंपिंग करने के लिए ना, मज़ा आएगा। अभी तो ऊपर मेरे, मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि कैमरे में वो चीज़ नहीं आ पाएगी, मैं एक आध फोटो वगैरह लेके चिपका दूंगा। इस टाइम पे जो आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि पूरी गैलेक्सी मेरे को दिख रही है। इतने तारे मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से पैदा हुआ हूँ कभी नहीं देखे भाई। 27-28 साल पहले जब हम छोटे छोटे थे, अपने घर की छत पर जब हम चढ़ते थे, तब भी इतने साफ इतने सारे तारे नहीं दिखते थे। ये स्लीपिंग बैग ऐसा है कि ना, इसको थोड़ा सा ऐसा हिलाओ ये फूल जाता है, मेरा बन जाएगा गद्दा, तो नीचे से अब कुछ नहीं छुपेगा भाई। ये लोकेशन सबसे सेफ है, मतलब बहुत सेफ लोकेशन है, क्योंकि ये ना बिल्कुल किसी पहाड़ के नीचे नहीं है। यहाँ से हमारी लोकेशन से पहाड़ ना बहुत कम से कम 800 मीटर दूर है पहाड़ से, तो कहीं से ऊपर से पत्थर गिरने की रात को कोई टेंशन नहीं है भाई साहब। हमारा बेड लग चुका है बढ़िया से आराम से, जहाँ पे हम रुके हुए ना उन भैया ने हमारे लिए ना खाने बना दिया, मतलब वो ट्रक वड़क वाले भैया हैं, उनका यहाँ पे एक छोटा सा टेंट लगा हुआ है, तो उन्होंने हमारे लिए खाना वगैरह बना दिया। अरे भैया किसी की सब्जी भैया? ये अंडे पनीर, अंडा पनीर पहली बार खा रहा हूँ मैं, अंडा पनीर मिक्स सब्जी कोई। कितने? 3 बंदे खाने लग चुके हैं। और भाई साहब ये ना हम खा रहे पनीर, और ये पनीर भाई साहब अंडे का पनीर है भाई साहब। मैंने जब सुना ना अंडे का पनीर कैसा होता है, इन्होंने पता नहीं क्या अलग टेक्निक से बनाया। भैया कैसे टेक्निक से बनाया पनीर आपने? ये कच्चे अंडे तोड़ के पहले वो डालने पन्नी में, पन्नी में पन्नी बांध के वो डाल देने गर्म पानी में, वो अच्छे उबलेंगे, वो बन जाता है ऐसे ही, फिर निकाल के बाहर पीस कर। भाई साहब देखने में देख रहे हो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा पनीर ही होगा। अब ना ऐसा हम भी करने वाले ट्रैवल में, हम भी वैसे पनीर खाएंगे क्योंकि अंडे हर कहीं मिल जाते, पनीर ना हर कहीं नहीं मिलता है।
और अभी हम लोग ना भाई लोगों के किचन बोल लो तंबू बोल लो उसमें बैठे हैं, वहीं बैठ के खाना खा रहे हैं। भाई हम लोग यहाँ पे आए थे तो भैया ने बोला भूखे मत सोना, खाना खाना तो मुझे बता देना मैं बना दूंगा। मैंने कहा ठीक है, वैसे तो हम खाना खा के आए थे लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा ना भाई लोगों से बातचीत हो जाएगी इस बार थोड़ा खा लेते हैं। मैं पूरी ट्रिप में ना जैसे हमें सब्जी चाहिए होती है ना, जहाँ हम स्पेशल होटल पर बोलते हैं भैया चटपटी कर देना चटपटी कर देना, पहले अब यहाँ भाई मिली है यानी भाई वही कहीं नमक कम कहीं मिर्च कम ऐसी मिलती है। तो भैया खाना वाना खा लिया भाई साहब, मजा आ गया। क्या खाना बनाता है, बहुत दिनों बाद ने ऐसा चटपटा खाना खाया। अब एक काम करते हैं, जो भैया हमको लेके आए ना, जिन भैया ने हमारा टेंट वेंट लगवाया यहाँ पे, जो खाने की व्यवस्था करी उन्हीं भैया का ना यहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ। भाई भैया ना ट्रक चलाते हैं वैसे तो, इनका ना वैसे जो यहाँ पे रोड का काम होता है ना, बीआर वगैरह जो काम करती है तो उनके साथ नहीं काम करते, उनका ट्रक है। तो थोड़ी देर भैया के साथ ट्रक में बैठते हैं, उसके बाद फिर अपना सोएंगे। और भाई तो भाई जी हमने भैया के ट्रक में आ गए, ये भैया इन्होंने ही हमारा सारा अरेंजमेंट करवा भाई रुकने उकने का खाने पीने का। तो आज अभी थोड़ी देर भैया के साथ मैं गप्पे मारते हैं बैठ के यहाँ पे। वैसे तो भैया ना इसी ट्रक में सोते हैं ना, इसमें कितने बंदे आ जाते हैं? इसमें दो बंदे आराम से सो जाते हैं और आप अकेले सोते हो, आपको सबको रहता है फिलहाल। बढ़िया। और भैया कह रहे हैं हम भी आज बदरी सोएंगे, जहाँ पे हम लोग सोए गए ना भाई वही सोएंगे आज। दोनों भी बोल रहे हैं सारे सोने की प्रॉब्लम, मतलब जो लोग टेंट में दो लोग भाई लोग और रहे थे वो भी और भैया भी, हम सारे लोग मतलब टोटल हम आठ लोग हो जाएंगे वही सोएंगे भाई बाहर आसमान के नीचे। ठंडी ठंडी हवा चल रही मस्त, और भाई ने भी सारा सट्टे बना रखा भैया, चावल चूवल सब कुछ मसाले मुसाले सब कुछ रखे खाना वाना बनाने के लिए। अरे वाह बढ़िया। मेरा भी वैसे यार एक बार मतलब मन था कि ना एक बार ऐसी ट्रक में ना किसी ट्रक वाले भाई के साथ में एक लॉन्ग राइड पे जाऊं, प्लान तो है कभी करेंगे इस वाले काम को भी। चलो ठीक है, बाहर भी चलाते रहते हैं। तो चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से, बहुत देर बैठ गए यहाँ पे, कम से कम एक डेढ़ घंटा बैठे हमने ट्रक वाले भैया के साथ में, हमने बहुत गप्पे मारी भाई। भैया जम्मू के हैं और बहुत सारी बातें हुई भैया के साथ में। अभी चल रहे हैं भाई सोने के लिए, जहाँ पे हमने अपना बिस्तर वगैरह लगाया हुआ है। ठीक है, कभी जिंदगी में मौका मिला तो भैया ऐसा ट्रक से ना एक बार करना जरूर है सफर यार। तो भाई जी हम लोग अब ट्रक से ना जा रहे हैं उसी जगह पे जहाँ पे हमने अपना बिस्तर विस्तर लगा रखा है, बाकी के लौंडे तो शायद सो ना गए हों। ये लगा हुआ हमारा बिस्तर, आप अपना बिस्तर नहीं लाए? अच्छा अच्छा ठीक, ये हमारा यहाँ बिस्तर लगा हुआ भाई। हाँ भाई क्या सो गए क्या? नहीं, एडिट कर रहे हो भाई साहब, देख रहे हो कैसे में हमने बिस्तर लगा रखा है। ठीक है, लेकिन भाई साहब विस का भी अपना एक मजा है। सारा सामान मैंने यहाँ पे रख लिया अपना, जो टॉप बॉक्स वगैरह वो सब बाड़ी गाड़ी में ही है। अब बैठते हैं अपना थोड़ा एडिटिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद आपसे सुबह मिलेंगे। गुड मॉर्निंग मित्रों, गुड मॉर्निंग, कैसी रही कल की रात? स्वागत है आपका फिर से नए ब्लॉग में रोहित पहाड़ी के। कैसी रही कल की रात? दिन आगे बढ़े, तू तो टाइम पास हो गया था भाई, मेरे को तो मच्छरों ने ऐसी ऐसी कर दी रात भर, बहुत मच्छर लगे। तू एक्टिंग करा रात में भाई जी? सुबह सुबह ट्रक वाले भैया ने हमारे लिए चाय वगैरह बनवा दी है और हमको दो बिस्कुट का पैकेट दिए थे जिसमें से सारे लोग खा गए, मेरे को बस एक बिस्कुट बचा हुआ है। चाहिए तेरे को? ले ले, बिस्कुट पसंद नहीं है, मुंह में चार चार भरे हुए, मुझे बिस्कुट पसंद नहीं है। देख रहा लो कर रहा ना काली खाने वाली बात सुबह सुबह है तू कुत्ता। कहाँ टहल रहे हो सुबह सुबह? चाय भाई पी ली? निकल रहे हो लेकी तरफ? चलो भाई ट्रक वाले भैया निकल गए। हेलो जी गुड मॉर्निंग। तो भाई सुबह हो चुकी है और जो कल की रात हमारी गुजरी ना वो भाई साहब यहाँ पे गुजरी थी, हम लोग यहाँ पे सोए हुए थे। सामने दिख रहा है आपको ये जेसीबी खड़ी है, वहीं पे हमारी बाइक्स वगैरह खड़ी हैं, तो वहीं पे हमने बिस्तर वगैरह लगा लिया सो गए थे। और यहाँ पे देखो माहौल कैसा है भाई, चारों तरफ ऐसे बड़े बड़े पहाड़ है और यहाँ से ये नदी, ये श्योक रिवर है ना, ये पाकिस्तान तक जाती है ना, ज़्यादा पता नहीं कहाँ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जाता है आगे त्यापसी थुड़तुक और थांग होते हुए। और भाई सर्दी में ना ये भैया जी बता रहे कि ये रिवर इतनी जम जाती है कि इसमें ना गाड़ी चला लेते हैं ना, इतना सब जम जाता है। तो कितना माइनस में टेम्परेचर जाता है इधर? इधर तो जब हमको पता नहीं, इतना साफ होता है इतना, मतलब फिर कम से कम माइनस 10 तो जाता ही होगा। मैं तो बहुत ज्यादा होगा, मुझे इधर नहीं रहा। अच्छा इतना नहीं,
बर्फ कितना पड़ता है इधर? पहले तो बहुत पड़ता था, कम से कम 5 फुट 6 फुट, 5 फुट 6 फुट। और अब? अभी तो ज्यादा बढ़ेगा, 6 इंच 7 इंच बस, बस कम हो गया, 1 फुट भी नहीं पड़ता अभी, कम हो गया। और बुढ़ा का जमाना है ना, कम से कम 8 फुट बोलता था, अभी धीरे धीरे बर्फ भी कम हो रहा है। आप बोगडांग का है ना? अच्छा, बोगडांग जो गाँव वो पहले इंडिया का लास्ट गाँव था, बोगडांग से पहले कोई गाँव नहीं है, मतलब इधर को आते तो कोई गाँव नहीं है ना, वहीं पे बॉर्डर था और ये वाला इलाका पूरा पहले पाकिस्तान में था। अच्छा, और यहाँ पे इंडियन आर्मी की चेक पोस्ट भी है यहाँ पे, हम कल रात को हम लोग उसी में सो रहे थे पहले, लेकिन वो बंकर जो वही फिर अच्छा इधर का पता नहीं था ना हमें, अच्छा ये साफ सुथरा है तो आज इसमें रुकेंगे फिर। और सर जी वैसे आप पहले इंडियन आर्मी में थे, अब रिटायर हो गए, और भाई जी यहाँ पे ना इसका देख रेख करते हैं पुल का, पुल में कुछ हो गया, नटवर ढीला हो गया तो उसकी देख रेख करते हैं, और एक एक साथ ना दो गाड़ी ना जाए पुल पे, क्योंकि ये ना पुल सारे जितने पुल है ना यहाँ पे इस एरिया में बहुत हल्के हल्के कच्चे कच्चे, अगर दो गाड़ी एक साथ चला गया ना उसमें तो पुल टूट भी सकता है। और ये आर्मी ने ये वाला जो बंकर है ये कब छोड़ा? अभी ये छोड़ के 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, उससे पहले तक यहाँ पे आर्मी रहता था, आर्मी रहता उधर वाले में भी, उधर तो वो वाला आप लोगों ने बनाया जो नीचे बंकर है जमीन के नीचे, ये आदमी के, ये भी आदमी के, आगे भी आदमी। कब बना? 1971 वॉर के टाइम पे बना के है? बनाया इससे 15 साल पहले। 15 साल पहले, उससे पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, और पहले इंडियन आर्मी वहाँ रहती थी, हमारे गांव में रहता था, बट बोर्ड गांव तक, उससे आगे नहीं आती थी, ये पाकिस्तान था। 1971 का जब वॉर हुआ था तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इंडिया में घुस गई थी और वो दुर्गा पुल तक आ रही थी, ताकि वो दुर्गा पुल को तोड़ दे और इंडियन आर्मी इधर ना आ पाए, ऐसा सही है क्या? हमको इतना पता नहीं। अच्छा आपको नहीं पता, मुझे इंडियन आर्मी ने बताया था। इसे एक चीज़ तो है, जितने लोगों से पूछो उतनी कहानियां मिलती हैं। अभी ये जो भाई साहब मिले थे इनसे मैंने पूछा, इनसे मेरी बात हुई तो ये बता रहे थे कि बोगडांग तक इंडिया था पहले, और बोगडांग से थोड़ा सा आगे एक पहाड़ पड़ता है, दो पहाड़ खड़े हैं जिसको इंडिया गेट बोलते थे, उस पहाड़ तक इंडिया था, उसके आगे पाकिस्तान था, मतलब जिस एरिया में हम लोग चल रहे हैं अभी ये कभी पाकिस्तान हुआ करता था। लेकिन हमें आर्मी वाले कुछ लोगों ने मेरे को बताया था कि ये जो ब्रिज है, ब्रिज के उस पार पाकिस्तान था, ब्रिज के इस पार इंडिया था, ऐसा सीन था। अब मैं ना भाई अपनी कैंपिंग लोकेशन से इधर आया हूँ, यहाँ पे ना एक बोर्ड लगा हुआ है उस पर थोड़ी सी स्टोरी लिखी हुई है, तो वो पढ़ते हैं, उसके बाद पता लगेगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। तो भाई हम यहाँ पे आ चुके हैं, अब यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, अटेंशन फेलो कंट्रीमैन, यू आर नाउ एंटरिंग द एरिया कैप्चर बाई द गैलेंट सोल्जर ऑफ लद्दाख स्काउट ड्यूरिंग द ऑपरेशन अंडरटेकन इन दिसंबर 1971 इन 1947 पाकिस्तान ट्रेजसली एनेक्स्ड लार्ज ट्रैक्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी इन 1971 इंडियन आर्मी लेड बाई द गैलेंट मेजर लेटर कर्नल चेवांग रिंचन बार टू महावीर चक्र सेना मेडल कैरिड आउट ऑडेसियस नाइट अटैक ब्रेविंग टेम्परेचर बिलो -27 degrees thus liberating an area of approximately 804 square kilometer from illegal Pakistan occupation. अब समझ में आई है पूरी स्टोरी। एक्चुअल में जो पहले इंडिया था ना वो बोगडांग तक था, और इस बोर्ड पे लिखा भी हुआ है नीचे, ever thankful to village Bogdang for support during this operation. मतलब बोगडांग के लोगों ने उस टाइम पे इंडियन आर्मी का बहुत सपोर्ट किया था ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। और एक मेजर कर्नल थे चिवांग रिंचन थे, लद्दाख स्काउट थे, उन वो उस टाइम पे लीडर थे भाई उस ऑपरेशन के, कि उस टाइम पे ये जो पूरा एरिया है ना ये एक्चुअल में पाकिस्तान में ही था। 1947 के टाइम पे जब इंडिया आजाद हुआ था ना तो कश्मीर ने इंडिया में मिलने से मना कर दिया था, जम्मू कश्मीर में आता था ना पहले ये एरिया भी लद्दाख भी, तो इसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया और जम्मू एंड कश्मीर जो कि इंडिपेंडेंट एक कंट्री बनना चाहता था उस पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। हमने तो उनको छोड़ दिया था कि आपको नहीं शामिल होना कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर अटैक करके ना ये वाला एरिया पूरा कैप्चर कर लिया था। तो यही एरिया 1971 वॉर के टाइम पे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान से छुड़ा लिया था भाई। भाई साहब बंकर की हालत देख रहे हो, ऊपर से पूरा टूटा पड़ा है, तो इसलिए ना रात के इसमें सोने में थोड़ा डर लगा था, इंशाल्लाह रात को हम कभी ना जाए इसमें, लेकिन फिर भी यार इतना हल्का भी है जितना मैं सोच रहा हूँ, बहुत स्ट्रांग है भाई। वैसे तो कल की रात हम लोग यहाँ पे गुजारने वाले थे, लेकिन भाई साहब यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा डर लगा चूहों का, यहाँ पे थोड़े चूहे हुए थोड़े थे, और ये ऊपर से टूट भी रहा है ना बंकर, आगे फौजी भाई बैठे थे तो कह रहे कि उस बंकर में मत रहना रात को, थोड़ा सेफ नहीं है। आगे कह रहे एक बंकर और है आगे, कह रहे वहाँ अगर आपको रुकना यहाँ रुक जाना रात में, सेफ है वो, थोड़ा नया है अभी बनाया ना 10-12 साल पहले वो।
जब हमारी रात इस बंकर में नहीं गुजरी, हमारी रात गुजरी भाई साहब खुले आसमान के नीचे, क्योंकि थोड़ा सा ये सेफ नहीं था, बहुत पुराना बंकर भी है और ना इसकी हालत थोड़ी ऐसी जर्जर हो रही थी, ऊपर से जो छत है इसकी वो भी टूट गई थी। अगर यहाँ पे सोते थोड़ा रिस्की हो सकता था। इस वे अब निकल रहे हैं यहाँ से, अपना सारा सामान हमने यही बंकर में छोड़ दिया, क्योंकि भाई इतना सारा सामान आगे लेके जाने कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं है और रात को हम लोग यहीं पे वापस आने वाले हैं। और वैसे भी ये जगह सेफ है, जो यहाँ पे कुछ एक दो भाई रहते हैं काम वाम करते हैं ना, वो इसी में सोता है दिन में। यहाँ पर उसने तंबू लगा रखा है, रात में यहाँ पे सोते हैं क्योंकि रात में ये ठंडा रहता है और दिन में ना ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो ये लोग दिन में इसमें सो जाते हैं, ये ठंडा रहता है दिन में। भाई साहब मैं ना भाई के पास रहता थोड़ा पानी पीने के लिए, भाई जी यहीं रहते हैं। और भाई अभी ना धूप हो गई है, 10 करीब बज रहे हैं और इतनी गर्मी हो रही है ना इसके अंदर, ऐसा लग रहा है कि जैसे आग निकल रही है कसम से। पता नहीं कैसे रहते होंगे भाई लोग इसमें, तुम्हारी तो हालत खराब हो जाती होगी यार। हालत खराब होती है हमारी। कैसे सोते हो उसमें फिर? दिन में बंकर में जाते हैं। अच्छा, नाइट को इधर सोते हैं। बाहर ठंडा लग रहा है यार, यहाँ पे कम से कम ठंडी हवा तो फील हो रही है, वहाँ तो बस धूप की गर्मी लग रही थी। चलो भाई अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब हम जा रहे हैं तुरतुक की तरफ को। और सबसे पहले ना मैं आपको ये जगह के बारे में समझा देता हूँ भाई। ये जगह पूरा इलाका ये पहले पाकिस्तान में ही आता था। ये जो सामने वाला ब्रिज देख रहे हो ना आप, ये वाला ब्रिज क्रॉस करके पाकिस्तान के गांव स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन ये वाला जो एरिया, इसको नोमन लैंड बोल लो या पाकिस्तान का एरिया बोल लो, क्योंकि ये जो दो पहाड़ हैं, इन दो पहाड़ को क्रॉस करके इंडिया पड़ता था। यहाँ से लगभग आगे 5 किलोमीटर आगे बोगडांग करके जगह पड़ती है, वो लास्ट गाँव था इंडिया का। और ये जो देख रहे हो जैसे दो पहाड़ है, इस पहाड़ के उस तरफ इंडिया था, तो इसको ना इंडिया गेट बोला जाता था भाई पहले, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे ना, यहाँ से जैसे थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे इस पहाड़ पे ना एक गांव है जिसको चुलुंखा बोलते हैं। जब इंडियन आर्मी ने इस पुल को क्रॉस करके पाकिस्तान में एंटर किया था, तो सबसे पहले चुलुंखा गांव वालों को पता लगा था। पाकिस्तान आर्मी तो अपनी चेक पोस्ट, यहाँ पर जो उनकी चेक पोस्ट थी, वो छोड़ के पहले ही भाग गई थी, क्योंकि उनको पता था कि हम उनका कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि इंडियन आर्मी ने बड़ी तेजी से भाई साहब हमला किया था। और यहाँ पे चालुंका गांव वाले भी भाग गए थे, चालुंका से तो एक एक गांव खाली हो गया था भाई। फिर चालुंका होते हुए इंडियन आर्मी नाचते गाते हुए, मतलब सेलिब्रेशन करते हुए कि हमने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, तुरतुक पहुंची, फिर त्यागसी पहुंची, फिर थांग पहुंची। फिर थांग में पहुंचते एक बार सीज फायर लग गया था, तो वहीं पर इंडियन आर्मी रुक गए थे। तो आज हम आपको यहाँ से होते हुए तुरतुक विलेज लेके जाएंगे। वीकली इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और जो मैं ये हिस्ट्री बता रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान से जुड़ी हुई, हमारे वॉर से जुड़ी हुई, आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ऐसी और ब्लॉग चाहिए तो कमेंट करके बताओ, और हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को कैसे हराया था वो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ना हमारे वीर जवानों के लिए कुछ शब्द हो जाए, और जय हिंद तो लिखना मत भूलिएगा। तो कल मिलेंगे एक बेहद खूबसूरत एडवेंचरस और हिस्टोरिकल ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने भाई का चैनल घुमक्कड़ इंडियंस। बाय बाय, जय हिंद।